हेलो नन्हे फरिश्तो, कैसे हो बेटे? सो टुडे विल बी डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर। हमने इस पेज तक, पेज नंबर 44 में, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में किया था, है ना? एनसीईआरटी की मैथमेटिक बुक के लेसन, हाउ मेनी स्क्वेयर्स लेसन का लास्ट पार्ट। ओके बेटा, आज हम खेलेंगे पजल गेम। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है। पजल्स विथ फाइव स्क्वेयर्स। तो इसमें क्या करना है, मेजर द साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वेयर ऑन द स्क्वेयर पेपर ऑन पेज 45। पेज 45, ये वाला पेज, इसमें जो स्क्वेयर्स हैं, स्मॉल स्मॉल स्क्वेयर्स दिए हुए हैं, इनके एक साइड को मेजर करो। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का ये स्क्वेयर है वो मेजर करो, उसको नाप के बताओ। उसके बाद क्या करना है, मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग फाइव सच स्क्वेयर्स, थ्री आर ड्रॉन फॉर यू। तो यहाँ पर जो आपको स्क्वेयर्स दिए हुए हैं, ये जो आपको इस पेज पे स्क्वेयर्स दिए हुए हैं, इन स्क्वेयर्स को पहले तो मेजर करो, इनकी साइड कितने की है, ये कितने सेंटीमीटर स्क्वेयर वाली साइड है, कि एक साइड मेजर करो, कोई भी एक साइड। स्क्वेयर की चारों साइड बराबर होती है ना, स्मॉल स्क्वेयर्स की एक साइड हमको मेजर करनी है। तो देखो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, इसकी एक साइड कितने सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उन्होंने कहा था मेजर करो, हमने मेजर कर लिया, इट्स 1 सेंटीमीटर। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर फाइव स्क्वायर्स को लेके, इसे बहुत सारे स्क्वायर्स हैं ना, छोटे छोटे स्क्वायर्स, इनमें से फाइव फाइव स्क्वायर्स को लेके हमने जितनी शेप हो सकती है बनानी है, जैसे भी करके। लेकिन टोटल जो उनका एरिया होना चाहिए, एरिया मतलब कितने स्क्वायर उस शेप ने कवर करने चाहिए, वो है 5 स्क्वायर्स। तो उनने 3 शेप्स तो बना के दी हुई हैं, जैसे ये वाली है 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर्स की ये वाली शेप बनी हुई है। इसमें 2 साइड में है, 1 ऊपर है, 4 नीचे है। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 स्क्वायर्स हैं, इसमें 4 ऊपर है, 1 नीचे है। और यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, 1 2 3 4 5। तो ये इन्होंने 3 शेप्स बनाकर हमको दी हुई है। तो हम इसमें से और अपनी मर्जी से हमने एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल हमने बनानी है, जितनी बना सके, लेकिन शर्त ये है कि हमें टोटल जो उसके अंदर स्क्वायर्स होने चाहिए वो होने चाहिए 5। तो शुरू करें। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया था 4 और 1, 1 ये 1 और 4 ये 5, 3 और 2 भी 5 हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा बना लेते हैं। सो दिस इज 5 स्क्वायर्स। वन टू थ्री फोर फाइव, 3 है 2। ठीक है, और कैसे बना सकते बेटे हम, और हम बना सकते, जैसे 1 2 3 है, इसके साथ 2 है, अगर हम 1 2 3 कर लें, और ये यहाँ पे 2 है, इनको थोड़ा सा बस पोजीशन चेंज करनी है, शेप थोड़ी सी अलग करनी है, ये कर लेते हैं 5। ये भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इसे कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर शुड बी 5, नंबर ऑफ स्क्वायर शुड बी 5, और उसकी शेप अलग अलग, जितनी शेप अलग तरह की आप बना सकते हो उतनी बनानी है। आपको याद है इस चैप्टर के शुरू में भी हमने किया था ऐसे, सो मेनी शेप्स वी मेड, यू नो, सो वी कैन मेक दिस शेप 5 स्क्वायर्स। ओके, थोड़ा सा अलग एरिया तो सेम है, 1 2 3 4 5, 5 स्क्वायर्स का ही एरिया है, लेकिन शेप थोड़ी अलग होगी। अब क्या कर सकते हैं हम, कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक और बना सकते हैं 3 एंड 2 का। सपोज हम बनाते हैं ऐसे 1 2 3,
और 4 एंड 5 बीच वाला छोड़ देते हैं, ये भी बन जाएगा ना, 1 2 3 4 5, इसे बना लेते हैं। बन गया ना बेटा, 1 2 3 4 एंड 5, इसको छोड़ दिया। और कैसे बना सकते हैं हम, ये 1 2 3 3 एंड 2 ऐसे थे, इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, एल के जैसा शेप भी बन सकती है ना, 1 2 3 4 5, ये भी कर सकते हैं है ना। सो लेट्स डू इट। आप भी मेरे साथ साथ करो, अपनी बुक लेके, कैन डू विद मी। और सोचो तब तक, और क्या कर सकते हैं। 5 स्क्वायर से अलग अलग हमने शेप बनानी, हमने कितनी बना ली बच्चे, वी मेड 1 2 3, ये तो अंकल ने सर ने हमको दी थी, 4 5 6 7 7 बना ली, और कितने बना सकते हैं। अच्छा ये 3 और 2 यहाँ पर है, अगर ये दोनों यहाँ आ जाएं तो ये भी बन सकती है ना, जैसे 1 2 3, और यहाँ पे दोनों 2 हैं, इसके बजाय अगर ये सेंटर में यहाँ पर आ जाए, ये भी एक शेप हो सकती है 5 की, है ना, टी जैसा, ये एल जैसी थी वो टी जैसा। सो लेट्स मेक दिस ऑल्सो। ओके, सो नाउ हाउ मेनी वी हैव मेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। और क्या कर सकते हैं, अब जैसे ये 3 है तो ये जो 2 यहाँ पे साइड में, ये 2 इधर भी आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेट्स डू दैट। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, प्लस की जैसा साइड ये भी हो सकता है। एरिया इज सेम इन ऑल द फिगर्स बिकॉज इट इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, कोई भी शेप अपने कितने स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह ले रही है उतने स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया होता है। एरिया मतलब कितनी जगह उसने ली है। ओके, तो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक और शेप। शेप थोड़ी सी अलग कर देनी है, डब्बा यहाँ से वहाँ, और शेप डिफरेंट हो जाती है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब अगर हमने जैसे ये वाला किया था 1 2 3 4 5 यहाँ किया था, अगर हम इसको ऐसे करें 1 2 3 और एक यहाँ कर दें 4 और एक यहाँ कर दें 5, ये भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 5, लेट्स डू दैट। आप भी सोचो और क्या हो सकता है, जो आपने सोचा आप वो बनाओ। डिफरेंट शेप्स विथ 5 स्क्वायर्स, एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, ये भी होगी एक जेड जैसी शेप। और क्या हो सकते हैं, हमने ये यहाँ पे 1 2 3 4 ये किया था ना यहाँ पे, अगर हम इस बॉक्स को उठाकर यहाँ ले आए तब भी बन जाएगा ना,
1, 2, 3, 4, 5. Let's try. 1, 2, 3, 4. ये है ना? L. अब इसको उठाकर अगर हम यहाँ पे ले आए तो we can make another shape of 5 squares. ये मजा आ रहा है ना? जब आप खुद करोगे ना अपने आप, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा. Okay. See, we made so many shapes. Sorry. One, two, three, four, five. Now, what can we do? How many we made till now? Three, sir made for us. One, two, three. These we made 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. यहाँ पे जगह थोड़ी सी और, एक और, एक दो और बना लेते. सो कैसे बना सकते हैं हम लोग? ये 3, ये 4, 5 था. क्या कर सकते हैं अगर हम इसको उठाकर, इसको उठा के अगर हम इधर ले जाएं, इस वाले को उठा के अगर हम यहाँ ले आएं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये सी भी बन सकता है. इसको अगर हम यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आएं, दिस कैन बी अनदर शेप, राइट? 1, 2, ये यहाँ पर आ गया, तो 3 and 4 and 5, ये भी बन गया, एक और शेप बन गया. सी, यू कैन बी सो क्रिएटिव. मैथ्स इज सो इंटरेस्टिंग. इतने सारे गेम्स हैं आपकी बुक में, आपकी बुक तो बहुत अच्छी है बेटा. आप ना खुद बनाना सीखो मेरे साथ साथ, ना आप खुद बनाओ, अपनी मर्जी की शेप्स बनाओ. प्ले ऑल द गेम्स, एन्जॉय द गेम्स, और खेलते खेलते आप मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाओगे. ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो, ठीक है? चलो बस करें. सी हाउ मेनी शेप्स वी मेड, लेट्स काउंट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके, सो देयर आर टोटल 12 शेप्स. राइट, सो लेट्स रीड द क्वेश्चंस. नीचे क्या बोल रहे हैं सर? वो कह रहे हैं हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ. हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ, आप कितनी डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर पाए? तो हमने 12 डिफरेंट शेप्स ड्रॉ की. वी कुड ड्रॉ 12 डिफरेंट शेप्स. विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर? हाउ मच? Which shape has the longest perimeter? आपको याद आया perimeter हमने पढ़ा था? Perimeter का मतलब होता है कोई भी shape है उसकी चारों तरफ की boundary. ठीक है, तो बोल कह रहे हैं इस shape में सबसे लंबी boundary किसकी है, किसका perimeter सबसे ज़्यादा है, और how much, और कितना है, dash centimeter. तो उसके लिए तो हमको सारी shapes का perimeter निकालना पड़ेगा, है ना? निकालें, शुरू करें. पहले हम हर शेप को एक नाम दे देते हैं. दिस इज शेप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड के. ए बी सी, ओ वी लेफ्ट दिस. दिस इज डी, दिस इज ई, A, B, C, D, this is E, okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L, okay. Now let's calculate the perimeter. Page number 45. This is page number 45. Perimeter of shape A is equal to, then we'll see. A ka perimeter kitna hai bache? Shall we start counting?
आपको पता है हर एक साइड जो है उसकी 1 सेंटीमीटर की है ना। तो ये हमने शुरू में काउंट किया था ना, हमने स्केल से उसको मेजर किया था ना, हर साइड 1 सेंटीमीटर की है। चलो इसको फिर देखते हैं कितने हैं, काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पेरीमीटर ऑफ ए, शेप ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे स्क्वायर वर्ड आएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर पेरीमीटर के साथ? क्या पेरीमीटर के साथ स्क्वायर शब्द आता है बेटे? यस, वेरी इंटेलिजेंट, नहीं आता। पेरीमीटर के साथ सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर, जितने भी जितना भी उसका एक साइड का मेजर है उतने सेंटीमीटर्स आते हैं। स्क्वायर वर्ड क्यों नहीं आता? क्योंकि स्क्वायर आता है एरिया में। ये सारी शेप्स 5 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया की थी, क्योंकि 5 5 स्क्वायर की शेप बनाई थी हमने, है ना। और पेरीमीटर में तो हम स्केल से नापते हैं साइड कितनी है ना। इसका मतलब, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, उसमें सिर्फ सेंटीमीटर आता है, स्क्वायर शब्द पेरीमीटर में नहीं आता। अब शेप ए का इतना है, शेप बी का कितना है? साइड है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शेप अलग है लेकिन पेरीमीटर इसका भी 12 सेंटीमीटर है। शेप सी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शेप सी भी 12 सेंटीमीटर है ना। शेप डी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शेप डी इज ऑल्सो 12 सेंटीमीटर। शेप ई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शेप ई का पेरीमीटर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। शेप एफ का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शेप एफ बी 12 सेंटीमीटर। शेप जी, हम पेरीमीटर का मतलब फिर रिवाइज करते हैं बेटे, सिर्फ बाहर बाहर की बाउंड्री, अंदर वाले नहीं काउंट करने हमने, बाहर बाहर की बाउंड्री उसको बोलते हैं पेरीमीटर। बाउंड्री मतलब बाहर की, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शेप जी भी 12 सेंटीमीटर है, सब 12 12 आ रही है ना, एक शेप ई को छोड़कर। शेप ई थी हमारी 10। शेप एच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। H is also 12 centimeter. Shape I, J and K. Shape I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Shape I is also 12 centimeter. J 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Shape J is also 12 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ शेप जे 12 सेंटीमीटर। शेप के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
shape K is also 12 centimeter, and shape L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. तो हमने देखा बच्चे सभी 12 सेंटीमीटर के हैं, है ना। शेप ए का पेरीमीटर भी 12, बी का भी 12, सी का भी 12, डी का भी 12, सिर्फ शेप ई का जो पेरीमीटर है वो 10 आया था, और एफ का भी 12 सेंटीमीटर, जी एच आई जे के एल सबका 12 सेंटीमीटर उसकी बाउंड्री है ना, सिर्फ शेप ई का। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था बेटे हमारा, विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, कौन सी शेप का पेरीमीटर सबसे लंबा है। तो सभी का पेरीमीटर लंबा है, बराबर है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल सबका पेरीमीटर जो है वो बड़ा ही है ना। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे शेप ए सिर्फ ई को छोड़ के सभी का लंबा है, बराबर है ना, सी डी ई ई को छोड़ के एफ जी एच आई जे के एन एल हैव द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। हाउ मच, कितना पेरीमीटर है उनका, उनका पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था कितनी शेप्स आपने बनाई, उसका आंसर था 12 शेप्स हमने बनाई। सेकंड था किसका पेरीमीटर सबसे लंबा है, तो सभी का बराबर है 12 12, है ना, एक ई शेप को छोड़ के। सी वाला, विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर, किस शेप का सबसे छोटा पेरीमीटर है, हाउ मच, कितना है। तो हमको मालूम है ना कौन सी शेप का सबसे छोटा पेरीमीटर है, यस राइट, ई शेप का। और कितना है उसका पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर है 10 सेंटीमीटर। ओके, सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स, ये तो हम कितनी बार बोल चुके हैं बेटे, है ना, साथ साथ में। तो इन सारी शेप्स का एरिया कितना है, इन सारी शेप्स का एरिया है डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है, 5 square centimeter. Very nice, very intelligent children. 5 square centimeter because they are all made of 5 squares. So 5 squares से ही बने हैं, इसलिए इनका perimeter, इनका area कितना है, 5 square centimeter. ये बच्चे ने भी ऐसी वाली shape बनाई है, हमने भी बनाई ना ये वाली shape, ये अंकल सर ने खुद ही बना के दी थी हमको, good. और इसने ये वाली बनाई, ये वाली भी यहाँ पे बनी लिखी हुई है, ये जो इस बच्चे ने बनाई यहाँ पे draw की हुई है, इस बच्चे ने जो बनाई यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक। वाओ, एक और गेम की बुक, बहुत अच्छी है, फुल ऑफ गेम्स, है ना बेटे। अच्छा, डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 squares, कि आपको सारी के सारी शेप्स मिल गई 5 square को यूज़ करके, 12 शेप्स मिल गई, बताओ मिली कि नहीं मिली, यस हमें मिल गई, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रही है ये, देखो इधर सारी वो 12 शेप्स लगी हुई हैं, जो 12 शेप्स आपने अभी अभी बनाई ना बेटे, उसको काट के इसमें लगाया हुआ है, इस वाले में। पहले देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑल 12 शेप्स आर अरेंज्ड हेयर टू मेक अ रेक्टेंगल। जो 12 शेप्स आपने अभी भी यहाँ पर बनाई हैं उन सबको काट कर यहाँ पर एक रेक्टेंगल में अरेंज किया हुआ है। दिस इज अ 10 by 6 रेक्टेंगल as there are 10 rows and 6 columns. You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which these shapes make a 10 by 6 rectangle. Wow! तो ये जो rectangle है ना यहाँ पर बिना बेटा, ये square नहीं है ना rectangle, एक side लंबी है छोटी है, एक side लंबी है, तो इसमें जो ऐसे ऐसे जो बने होते हैं ना बेटे खाने, इनको बोलते हैं column, है ना, और जो ये होती है इनको बोलते हैं रोज, क्या बोलते हैं, रोज, रोज एंड कॉलम्स। तो इसमें कितनी रोज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें 10 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 6 columns, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns है। तो ये 10 by 6 रेक्टेंगल है, 10 रोज हैं, 6 columns है, 10 by 6 रेक्टेंगल है। तो इसमें इन लोगों ने जो सारी शेप्स हैं उनको अरेंज किया है। मैंने भी आपके लिए शेप्स काट के रखी हैं बेटे, ये जो हमने यहाँ शेप्स बनाई थी ना, इन शेप्स को काट लिया, देखो काट के रखा हुआ है। अब इन शेप्स को यहाँ पे अरेंज करके दिया हुआ है आपको, ये वाले जो शेप्स हैं यहाँ पे अरेंज किए, जैसे देखो ये वाला जो हमने स्ट्रेट वाला था इसको यहाँ अरेंज कर दिया, जो स्ट्रेट वाला था इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया, है ना, ये वाला, उसके बाद ये वाला था जो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ,
ये वाली शेप है, ये वाली शेप हमने ली थी, ये वाली शेप कहाँ थी? ओके, ये देखो ऐसे अरेंज की हुई है। फिर ये वाली शेप थी, कहाँ पर है ये बताओ, देख के बताओ मैम को, कहाँ है ये वाली शेप? वेरी गुड, ये रही, शाबाश। अच्छा ये वाली बताओ कहाँ पर है, ये वाली कहाँ पर है, ये वाली शेप कहाँ पर है बेटे? थ्री एंड टू, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। कहाँ पर ये शेप जिसमें फर्स्ट कॉल उसके साथ सेकंड स्क्वायर बना हुआ है? वेरी नाइस, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं, मज़ा आ रहा है ना खेलने में। ये प्लस वाली शेप कहाँ पर है जो हमने बनाई थी? ये रही है ना। और ये वाली एल जैसी शेप कहाँ है, एल जैसी शेप कहाँ है? ये रही, शाबाश। और ये जेड जैसी शेप कहाँ है, 1 3 1 वाली कहाँ पर है? ये वाली, वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, ये है ना। और ये वाली कहाँ पर है, ये वाली शेप, एक और एल जैसी शेप कहाँ है? यस, यू आर राइट, परफेक्टली राइट। और ये टी जैसी शेप, 3 and 2, यस, ये रही। और ये वाली जो हमने लास्ट में बनाई थी कहाँ पर है? ये परफेक्टली राइट, बिल्कुल सही, ये रही। ठीक है, ये देखो ये वाली कहाँ है? ये रही। और ये वाली कहाँ है? ये रे, थोड़ा सा हिल गई सारी। ठीक है बेटे, मज़ा आया ना। सो ये क्या बता रहे हैं कि इन्हीं 12 शेप्स को यूज़ करके आप 2000 से भी ज़्यादा तरीक़ों से ये 10x6 रेक्टेंगल में अरेंज कर सकते हो। जैसे हम इन्होंने यहाँ पर ये लगाई है, हम ये किसी और जगह लगा सकते हैं। तो ये आपस में मिल मिल के ये जो शेप्स हैं ना, ये 2000 से भी ज़्यादा तरीक़ों से आप इसे अरेंज कर सकते हो। तो सोचो आपको कितने दिन के लिए खेलने के लिए गेम मिल गया, आपको हर रोज़ एक नए तरीके से आप इसको खेल सकते हो, राइट? मज़ा आ रहा है ना। अब वो कह रहे हैं, ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम। मैंने एक और तरीके से भी बेटी आपके लिए करके रखा है, ये भी एक 10x6 रेक्टेंगल है, ये भी एक 10x6 रेक्टेंगल है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स। इन्हीं 12 शेप से ये वाली भी एक शेप बन गई। देखो ये वाली शेप कौन सी थी, ये वाली शेप कहाँ है, ये वाली शेप कहाँ है इसमें? 3 and 2 वाली बेटे, वेरी गुड, ये रही। ठीक है, तो ऐसे अरेंज कर करके आप लोग बेटे खेल सकते हो। 2000 से भी ज़्यादा तरीक़ों से आप इसको अरेंज कर सकते हो। दो तरीके तो यहाँ पर है, अब बाकी भी आप कैसे भी अरेंज करो। एक उठाओ उसको रख दो, दूसरा उठाओ उसको लिंक कर दो आपस में कहाँ वो हो रहा है, और ऐसे करते करते आप जो है आपको रोज़ खेलने के लिए नए नए गेम मिल जाएंगे इन्हीं 12 शेप से। और खर्चा तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, बस खाली इन शेप्स को काटना है। ट्राई अनदर पजल। सो ये बच्चे ने यहाँ पे क्या किया हुआ, इन बच्चों ने यहाँ पे हमारा 10x6 का रेक्टेंगल था ना, ये 10x6 का रेक्टेंगल है, ये वाला जो रेक्टेंगल इन्होंने बनाया एक 5x12 का रेक्टेंगल, 5x12 का रेक्टेंगल है मतलब 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन 12 शेप्स को, ये 6x12 का है। चलो जो भी है, वट एवर इट इज़, यू हैव टू मेक अ 5x12 रेक्टेंगल विद दीज 12 शेप्स। आप एक ऐसे ले लो,
आपके पास ग्राफ पेपर है या कोई भी, जैसे आपने ये बच्चों ने भी यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बनाए ना बेटे लाइन खींच खींच के, मैंने भी ऐसे लाइन खींच खींच के बनाए थे। तो इनमें से आपने क्या करना है, 5x12 रेक्टेंगल लेना है। 5x12 रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ से इतना हो गया। ये 5x12 रेक्टेंगल ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 5x12 रेक्टेंगल। एक कार्डबोर्ड पे एक मोटे से उस पर, जैसे आपकी लूडो होती है ना बेटे सांप सीढ़ी लूडो आप खेलते हो, ऐसे आप एक 6x12 का या 5x12 का या जितना भी आप एक वो ले लो, ये 5, ये आपका 10x6 का रेक्टेंगल है, ये आपका 5x12 का रेक्टेंगल है। इसको आपने एक रेक्टेंगल को बड़े से कार्डबोर्ड के गत्ते पे काटना है, ये देखो बच्चों ने काटा हुआ है, उसके ऊपर आप ये वाली शेप्स चिपका चिपका के न्यू न्यू तरह से आप क्या कर सकते हो और एक गेम खेल सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पर चिपकाया है ना, इन बच्चों ने यहाँ पे 5x12 10x6 रेक्टेंगल पर चिपकाया था, ऐसे अब 5x12 रेक्टेंगल पर, ये 5x12 रेक्टेंगल है, इसके ऊपर भी आप इन शेप्स को अरेंज कर सकते हो। जैसे आप क्या कर सकते हो, सपोज़ ये वाला आपने ले लिया फर्स्ट, ये 5x12 रेक्टेंगल है ना, यहाँ से ये ले ली, मान लो आपने ये वाली 5 ले ली, ये वाली शेप यहाँ ले ली 5, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद मान लो आपने वहाँ पे ले लिया सेकंड शेप, आपने ले ली ये ले ली, ये ले ली, ठीक है। ये ले ली सपोज, आप किसी शेप को अरेंज करने के लिए ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी, जिस तरीके से आप उसको अरेंज करना चाहो वैसे कर सकते हो। बस इनको आपस में, जैसे आप पजल गेम खेलते हो और आप ब्लॉक वो ले खेलते हो गेम्स एक दूसरे से जोड़ने वाले, उनके साथ भी वैसे ही आपको इनको खेलना है। अब क्या कर सकते हो आप, आपको ये ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कितने बच्चे हैं मेरे पास, 1, 2, 3 और ये 1 और 2, ऐसे वाला ले सकते हो जहाँ पर ये फिल हो जाए, यहाँ पे 3 खाने बचे हैं ना, इसको करोगे तो आपका ये वाला एरिया फिल हो गया, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप सपोज़ आपने ये ले लिया, सपोज़ आपने ले लिया ये वाला, सपोज़ आपने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब आपको चाहिए ऐसा जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये वाले डब्बे हो जाएं, तो आपके पास जो ये वाला था 2 और 3 वाला था ना आपके पास, ये वाला ये ले सकते हो आप। तो इस तरह करके बेटे आप अपना 5x12 जो स्क्वायर आपका रेक्टेंगल आपका उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हम अगर पूरा गेम खेलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ना, तो आप इसे खेलना, रोज़ खेलना और इन्जॉय करना, आपको बहुत, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके दिमाग का कितना विकास हुआ बेटे। खेल खेल में आपकी बुद्धि बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आप नए नए तरीक़ों से इसको अरेंज करोगे, तो टीवी वीडियो देखने इस तरह से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इस तरह से क्रिएटिव गेम्स खेलो। खेलोगे ना, मैं तो आपके साथ बहुत खेलना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चे, हमारा चैप्टर फिर में कंप्लीट करना है, राइट। तो इस तरह से 5x12 रेक्टेंगल से भी हम खेलेंगे। अब यही वाला गेम यहाँ पे आप इस तरीके से भी खेल सकते हो, चेस की तरह, ठीक है। गेम टाइम, हेयर इज़ अ चेस बोर्ड, ये एक चेस बोर्ड है, और प्ले दिस गेम विद योर पार्टनर, आप अपने भाई बहन फ्रेंड मम्मा पापा किसी के से भी साथ बैठ जाओ, विद 1 set of 12 shapes। जैसे आपके पास लूडो खेलने के लिए लूडो का बोर्ड होता है, लूडो की गिट्टियाँ होती हैं, ऐसे आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपने अभी अभी गिट्टियाँ बनाई हैं, 12 गिट्टियाँ बनाई हैं ना, उनके साथ आपने क्या करना है, इस वाले चेस का ये ले लो एक, और उसके साथ आपने ये वाला गेम खेलना है, ओके। एक मिनट, लाइट लाइट में ठीक करके आती हूँ, गलती से मैम का हाथ लग गया था तो वो टेबल लैम्प का लाइट हो गया था। सो हेयर इज़ अ चेस बोर्ड, तो यहाँ पे एक चेस बोर्ड बनाया है बच्चों ने कार्डबोर्ड के ऊपर, या आपके जो ड्राइंग शीट है उसके ऊपर इन्होंने ऐसी 1-1 square centimeter में क्या किया, इसको इन्होंने चेस बोर्ड की शेप दे दी। कैसे चेस बोर्ड की शेप दे दी, इसमें एक ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक है, इसको वाइट छोड़ दिया, इसको ब्लैक कर दिया ड्राइंग शीट के ऊपर, इस तरह से ये बन गया हमारा चेस बोर्ड। और इस चेस बोर्ड के ऊपर भी
वही वाली शेप्स लगा लगा के गेम खेलना है। अब गेम कैसे है, द फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी फाइव स्क्वायर्स। जो पहला वाला प्लेयर है वो कोई भी एक शेप लेगा और उस शेप से वो क्या करेगा, इस पे बोर्ड पे कोई भी एक शेप रख देगा। ठीक है, अब इस बच्चे ने ये वाली रखी है। द अदर प्लेयर पिक्स अनदर शेप एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड बट इट मस्ट नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप। जो सेकेंड बच्चा वो भी उसमें जो गिट्टियाँ रखी हुई हैं, ये वाली हमारी जो 12 शेप्स रखी हैं, वो भी इनमें से कोई भी एक शेप उठा लेगा जो उसको पसंद आएगी। सपोज उसको लगा कि ये 1, 2, 3, 4 वाली साइड है तो मुझे ऐसा लेना चाहिए जिसमें एक साइड 4 आए, तो सपोज उसने ये वाली ले ली। ये तो ये बच्चे ने ली थी, ये वाली शेप बच्चे ने ली थी ना, ये वाली बच्चे ने ये वाली शेप उठा ली। ओके, तो इसने ही वॉन्ट्स की, शी वॉन्ट्स की मैं कुछ ऐसा ले लूँ जिसमें ऐसे आए, 4 ये वाले कवर हो जाएँ, तो इसने सपोज़ ये वाली ले ली। ठीक है, अब ये वाले बच्चे ने कोई और ले ली, सपोज़ इसने ले ली ये वाली, इसको लगा कि मैं यहाँ से ये वाला 1 ये वाले कवर कर लूँ इस तरह की मैं बॉर्डर, मे बी ही ट्राइड कि मैं ये वाली ले लूँ, इसने ये वाली शेप ले ली। ये बच्चे ने सोचा मैं भी कुछ ऐसा लूँ, मैं क्या लूँ, तो इसने सोच लिया कि मैं सपोज ले लेती हूँ ये वाला, इसने ये वाला ले लिया। ठीक है, तो ऐसे करते 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 बच्चे इन 12 शेप से ये पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो जब ये जब तक करेंगे जब तक कि उनको और शेप रखनी मुश्किल हो जाए, मतलब एंड तक जितना वो खेल सकते हैं उतना वो खेलेंगे, और जब लास्ट वाला बच्चा जो रखेगा, अब ये तो ट्रायल एंड एरर है, कभी कभी उनकी शेप पूरा कवर हो सकता है, कभी वो पूरा कवर हो भी नहीं सकता। हो सकता है बीच में ऐसे ये सब यहाँ पे शेप्स लगी हों और सपोज़ यहाँ पे बच्चों ने लगाया, एक के बाद एक लगा दिया, और सपोज़ यहाँ पे ऐसा बच गया कि यहाँ पर 1, 2, 3 स्क्वायर्स बच गए और यहाँ पे भी 3 स्क्वायर्स बच गए। अब ये तो गेम एंड हो जाएगा ना, बिकॉज 3 स्क्वायर वाला तो हमारे पास कोई भी वो नहीं है, गिट्टी नहीं है, यहाँ भी 3 स्क्वायर्स वाली कोई नहीं है, तो जो बच्चा लास्ट में अपनी गिट्टी रखेगा वो बच्चा विनर है। तो इस तरह से आप जो है इसको खेल सकते हो। तो हमने जो 5 10 by 6 रेक्टेंगल में इन शेप्स को फिट किया था, तो हम उसके 2000 से भी ज़्यादा तरीक़ों से हम इनको रख सकते हैं। आप हर रोज़ जब आप गेम कंप्लीट करते हो उसके बाद एक फ़ोटो खींच लिया करो, वाओ मैंने ऐसे कंप्लीट किया, नेक्स्ट अलग तो अलग अलग तरीक़ों से आप 2000 से भी ज़्यादा तरीक़ों से इस वाले 10 by 6 रेक्टेंगल में ये वाली शेप्स को फिट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे 5 by 12 रेक्टेंगल में शेप्स फिट करोगे तो 1000 से भी ज़्यादा तरीक़ों से कर सकते हो। और थर्ड, आपने ये वाला गेम ये चेस के तरीके से खेलोगे, है ना मज़ेदार, बिना कोई पैसा खर्च किए हम कितने अच्छे अच्छे गेम्स, क्रिएटिव गेम्स, अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाने वाले गेम्स हैं, राइट। अब देखते हैं क्या है। ओ, एक और गेम, इसमें आपको टाइल बनानी है, मेक योर ओन टाइल, रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न्स इन मैथ मैजिक बुक 4 पेजेस 117 to 119, यू हैड टू चूज द करेक्ट टाइल विच कुड बी रिपीटेड टू मेक अ पैटर्न सो दैट देयर वर नो गैप्स लेफ्ट। बेटे आपको याद है हमने क्लास 4th में 117 से 119 पेजेस में टाइल्स वाले क्वेश्चंस थे और हमको चूज़ करना था वो वाली टाइल जिसमें जिनको हम यूज़ करें तो उसके बीच दो टाइल्स के बीच में गैप बिल्कुल नहीं रहेगा, कोई भी जगह नहीं बचेगी, है ना, याद आया ना। तो हम लोग क्यों लगाते हैं टाइल्स बेटे अपने घरों में, आपने देखा होगा ना बाथरूम में, फ्लोर में, घरों में, आपके घरों में भी होगी टाइल्स, शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में टाइल्स लगी होती हैं, है ना। क्यों लगाते हैं बेटे टाइल्स हम लोग? यस, हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जो ज़मीन है वहाँ से मिट्टी ना आए, कीचड़ वहाँ पे सफाई हो, है ना। तो अगर दो टाइल्स के बीच में जगह बच जाएगी तो वहाँ तो फिर कीड़े छुपेंगे, मिट्टी आएगी, घास उग जाएगी, तो वो तो हमारी पूरा पैसा खर्च करने का हमारा फिर सारा बेकार हो जाएगा ना टाइल्स लगाने के लिए। हम टाइल्स सफाई के लिए लगा रहे हैं और वहाँ पे घास उग रही है, कीड़े घूम रहे हैं, मिट्टी आ रही है, तो फिर पानी फंस रहा है वहाँ पर, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फर्श तो एकदम प्लेन होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने उसमें इसीलिए टाइल्स वो वाली चुनी थी क्लास 4th में जिनमें कोई गैप नहीं होगा। अब हम बनाएंगे अपना खुद का टाइल। इन्हें ज़ीरी है एक बच्ची, यहाँ पे ज़ीरी एक बच्ची है, वो एक दुकान में गई तो वहाँ पे उसने देखा कितनी सुंदर सुंदर तरह की अलग अलग तरह की टाइल्स हैं, है ना। तो उसने देखा यहाँ पे हॉर्सेस की शेप बनी है, पर हर टाइल में कंप्लीट हॉर्स नहीं बना है, हर टाइल में पूरा पूरा घोड़ा नहीं बना। देखो यहाँ पे घोड़े का ये वाला पार्ट बना है, इस वाली टाइल में घोड़े का ये वाला हाफ पार्ट बना है। तो ऐसे उसने
इन अलग अलग टाइल्स को देखा, जोड़ के जब इनको बनाया तो बिल्कुल भी गैप नहीं है, दिखने में लग रहा है एक बड़ी सी पेंटिंग है, बड़ा सा वो है। ठीक ऐसे ये वाला भी एक डिज़ाइन है टाइल्स में, इसमें बहुत सारे टाइल्स को जोड़ के बनाया है ये वाला डिज़ाइन, दो दो तीन मतलब टाइल्स को जोड़ के फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट हो रहा है। यहाँ भी देखो ट्रायंगल्स वाले टाइल है, लेकिन कहीं भी बीच में गैप नहीं है। तो अब आप खुद की टाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है? कैसे बनानी है? आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न्स, ज़ीरी वांटेड टू मेक हर ओन येलो टाइल। ज़ीरी ने सोचा मैं अपनी खुद की येलो कलर की टाइल बनाऊंगी। यू टू मेक अ टाइल दिस वे, आप भी इस तरह से अपनी टाइल बनाओ। स्टेप वन, सबसे पहले क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। एक कार्डबोर्ड जैसे गत्ता होता है, चाय के डब्बे का गत्ता या कोई भी गत्ता है जिसमें सामान आता है, या शॉप से आप खरीद सकते हो, और या फिर एक कोई मोटा सा पेपर ले लो, उसमें एक स्क्वायर बनाना है ऐसा वाला, और स्क्वायर की साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर। आपको मालूम है ना स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, अगर एक साइड 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 की, ये भी 3 की, ये भी 3 की, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, चलो हम पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, स्टेप वन पहले कंप्लीट करते हैं। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमने, 3 सेंटीमीटर का हमने एक स्क्वायर बनाना है, सपोज़ ये ले लेते हैं हम, ठीक है? 1, 2, 3, ये वन साइड होगी, ये वन साइड होगी 3 सेंटीमीटर की, 1, 2, 3 ये सेकेंड साइड हो गई 3 सेंटीमीटर की, 1, 2, 3 ये हो गई थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर की, और 1, 2, 3 ये हो गई फोर्थ साइड। ये हमारा बन गया एक स्क्वायर बन गया जिसका एरिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है, और पेरीमीटर कितना हो गया, बाउंड्री कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 सेंटीमीटर उसकी बाउंड्री हो गई, पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर और एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बेटा? ये हमारा एक स्क्वायर हो गया जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है टाइल बनाने के लिए, स्टेप टू, ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर की किसी भी एक साइड में एक ट्राइंगल बनाओ। बना लेते हैं हम इस स्क्वायर की, मान लो हमने सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, हमने इसको हाफ ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज हमने ये वाला ट्राइंगल बनाया है, या फिर एक स्क्वायर बनाओ, उस स्क्वायर के एक साइड में किसी भी एक साइड में एक ट्राइंगल बनाओ। स्टेप वन था एक स्क्वायर बनाओ 3 सेंटीमीटर का, स्टेप टू उसकी एक साइड में एक ट्राइंगल बनाओ, स्टेप थ्री ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अनदर साइड ऑफ द स्क्वायर, बट दिस टाइम ड्रॉ इट इनसाइड द स्क्वायर। ड्रॉ अनदर ट्राइंगल, अब एक और ट्राइंगल बनाना है हमने ऑफ द सेम साइज, जितना ट्राइंगल ये बाहर वाला था उतना ही ट्राइंगल अंदर वाला होगा, और वो बनाना है हमें इनसाइड, सेम साइज़ का होना चाहिए, और किसी भी साइड के किसी और साइड के इनसाइड की तरफ बनाना है। अब हमने इस टाइल में एक साइड ये वाला स्क्वायर ट्राइंगल बनाया था ना, है ना? अब इसमें से 1, 2, 3 साइड्स बची हैं, इनमें से किसी भी एक साइड में आप अंदर की तरफ पे एक और ट्राइंगल बना लो। तो ये हमने यहाँ पे मिडिल लिया था ना, जितना जिस साइज़ का ये ट्राइंगल है उसी साइज़ का अंदर बनाना है। जो भी शेप आप बाहर की तरफ यहाँ बनाओ, सेम वैसी ही शेप, उसी साइज़ की शेप हमें अंदर की तरफ बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि वो जो टाइल्स हैं आपस में लिंक करेंगी, तो अगर वो छोटी बड़ी हो जाएंगी तो फिर वो आपस में जुड़ेंगी नहीं, और उनमें क्या हो जाएगा, गैप। तो हमने ऐसा वाले ट्रायंगल बनाया था ना बाहर की तरफ, अब ऐसे ही हम इस साइड से अंदर की तरफ ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, ये बना लिया हमने। अब क्या करना है, हमने कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड। अब जो आपने मोटा वाला गत्ता या कार्डबोर्ड जिसमें ये ड्राइंग बनाई है उससे ये शेप काट लो। योर टाइल इज रेडी, व्हाट इज इट्स एरिया। हमारी टाइल रेडी है, उसको काट लिया हमने, तो उसका एरिया कितना हो गया इस टाइल का बेटा, इसका एरिया कितना हो गया टाइल का, क्योंकि वो टाइल 3 सेंटीमीटर की थी,
थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर की थी तो उसका 9 स्क्वायर सेंटीमीटर देख लेते हैं। चलो काउंट कर लेते हैं कितना एरिया हुआ इसका। देखो यहाँ पे ये वाली टाइल है ना, ये वाला एरिया तो इसे कट जाएगा, ये कट जाएगा, हम इसको काट लेते हैं, हम काट लेते हैं इसको। टाइल बनाए, चलो टाइल बनाए, आओ टाइल अपनी खुद की बनाए, येलो कलर से स्क्वायर ट्राइंगल से अपनी खुद की टाइल बनाए। टाइल बनाए भैया टाइल बनाए, अपनी खुद की टाइल बनाए। टाइल बनाए, चलो टाइल बनाए, अपनी खुद की टाइल बनाए। और जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसको हमने कट करना है। अब ये जो टाइल थी ना बेटे, ये हमारी 3 सेंटीमीटर साइड की थी, तो ये 9 सेंटीमीटर इसका, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया था, है ना। इस स्क्वायर का एरिया कितना था, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने काउंट किया था शुरू में, है ना। अब जितना हमने इसको अंदर काटा है, आप बोलोगे ये तो ये वाला स्क्वायर था 9 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया, ये तो हमने बाहर से और भी बना लिया, तो जितना हमने बाहर ट्रायंगल एक्स्ट्रा लिया उतना ही तो अंदर भी हमने खाली कर दिया ना। इसका मतलब ये टोटल एरिया किस इसका कितना होगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये वाला जितना हमने अंदर से काटा है उतना ही बाहर है, ताकि वो नेक्स्ट टाइल का ये वाली जगह इसके अंदर जुड़ जाए। तो फिर भी हम एक बार देख लेते हैं हमने कैसे एरिया कैलकुलेट किया था। कंप्लीट स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर प्लस मोर देन हाफ स्क्वायर, है ना, किया था ना। पहले कंप्लीट स्क्वायर देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, और ये मोर देन हाफ कितने हैं, 5, ये भी मोर देन हाफ 6, ये भी मोर देन हाफ 7, और ये हाफ, दो हाफ मिलके हो जाएंगे ना, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ 1, 8, और ये मोर देन हाफ है 9, ठीक है। तो ये 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ही इस टाइल का एरिया है। व्हाट इज इट्स एरिया, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना हो गया बच्चे, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि जितना हमने हमारा ये 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर था ना, 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर था, 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 एक साइड, 1 2 3 दूसरी साइड, 1 2 3 और 1 2 3 ये वाली साइड, है ना, और 3 सेंटीमीटर ये साइड। अब ये स्क्वायर था हमारा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया था, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया था। अब जितना हमने इसको बाहर ट्रायंगल को लिया एक्स्ट्रा, जितना लिया उतना ही हमने अंदर से काट दिया, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना। अगर आप एक पतीले से एक गिलास दूध लो और वापस एक गिलास डाल दो तो पतीले में उतना ही दूध रहेगा ना। तो हमने इस 9 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया वाले स्क्वायर से हमने जितना ट्रायंगल बाहर लिया था उतना ही हमने अंदर उसके लिए कट कर दिया, तो इसका एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ही रहेगा। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया हमने स्क्वायर को, तो हमने देखा उस टाइल का एरिया, हमने जब नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ मोर देन हाफ प्लस नंबर ऑफ हाफ किए थे, तो हमने देखा तो फिर भी वो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर ही रहा। अब हमारी ये जो टाइल है इसको हम ज़रा, मैंने आपके लिए काट के रखी है बेटे, मैंने आपके लिए टाइल्स काट के रखी हैं ये वाली, अब ज़रा इसको लगा के देखते हैं कि ठीक लग रही है कि नहीं। हमने ये वाली टाइल बनाई है, कैसे बनाई है, ये देखो इस शेप की टाइल थी ना। अब ये वाली जो टाइल है यहाँ पे अगर हम लगाते हैं, सपोज़ हमने यहाँ से अपनी कॉपी पे आप चिपका रहे हैं ना, अपनी खुद की टाइल बनाओ। अब ये वाली जो टाइल है इसका जो कट वाला पार्ट था, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसके अंदर आके फिट हो जाएगा,
इसके अंदर आके फिट हो जाएगा। गैप नहीं है ना बीच में, कोई गैप नहीं है, है ना। और ये वाली टाइल एक और ले लेते हैं, इसका जो कट वाला पार्ट था, इसका जो ये वाला कट वाला पार्ट था, इसके अंदर ये वाला पार्ट आके फिट हो जाएगा। देखो गैप नहीं है। और ये वाली एक और टाइल ले लेते हैं, इसका जो ये कट वाला पार्ट था, एक्स्ट्रा वाला पार्ट था जो, इसके अंदर आके फिट हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा थिक पेपर होता है ना, थोड़ा मोटा पेपर होता है तो ये हिलता नहीं अपनी जगह से। और भैया लोग कैसे करते हैं, भैया लोग नीचे सीमेंट लगाते हैं टाइल में, तो आप भी गम लगा के अपनी टाइल को चिपका लेना कॉपी में, एक्टिविटी कॉपी में, या कहीं भी जहाँ भी आपको पसंद आए उसमें आप अपनी खुद की टाइल बनाकर देखना, टाइल्स अलग अलग डिज़ाइन के बनाकर उसको देखना, आर्किटेक्ट बन जाएंगे मेरे बच्चे। और ये वाली भी एक है, इसका भी जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने जो टाइल, अगर हम ऐसी वाली टाइल बनाना चाहते हैं जो टाइल इंटरलिंक्ड हो, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा बेटे, इस जितना एक्स्ट्रा पार्ट हम काटते हैं उतना ही एक्स्ट्रा पार्ट हमें उसके अंदर सेम साइज़ का रखना पड़ेगा। अगर साइज़ थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा तो उनके बीच में क्या रह जाएगा, गैप रह जाएगा। ओके, सो ये देखो हमारी टाइल्स जो हैं ये आ गई, इसको हमने चिपकाया नहीं ना, चिपकाते तो बिल्कुल गैप इसका ऐसे मिक्स हो, बिल्कुल भी गैप नहीं रहता, मर्ज हो जाता आपस में, राइट। सो हमने भी टाइल बना ली येलो वाली, ऐसी वाली टाइल बना के अपनी पूरी कॉपी में आप अपना एक फ्लोर, एक फर्श का डिज़ाइन तैयार करो। आप इसके ऊपर कुछ ड्राइंग भी कर सकते हो चाहो तो, इन टाइल्स में, जैसे ही बच्चे ने यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स बनाए हुए ना, है ना, यहाँ पे पैटर्न्स बने हुए हैं, आप ऐसे अपने टाइल्स को कुछ इनमें डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। ये ज़ीरी ने क्या किया, ज़ीरी ने ये वाला पैटर्न बनाया, मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल, अपनी टाइल को यूज़ करके पैटर्न बनाओ, हमने बना लिया। ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन अ पेज, बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप्स बिटवीन देम। तो हमने जो वो हमने एक शेप बनाई थी उसको काट के वैसे ही और टाइल्स बनाओ और अपना पैटर्न अपनी कॉपी पे बनाओ, जैसे ये बच्चे ने लगाया, ये कॉपी पे लगा रही है ना, हमने बना के भी करा। ज़ीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येल्लो टाइल्स, यू नो द एरिया ऑफ हर टाइल। ज़ीरी ने अपनी येल्लो टाइल्स का पैटर्न इस तरीके से बनाया, कलर यहाँ डिफरेंट है, उसकी येल्लो कलर की टाइल्स थी, तो यू नो द एरिया ऑफ हर टाइल, उसकी टाइल का एरिया पता है ना क्या था, अभी निकाला था हमने, क्या एरिया था उसकी टाइल का, ये इसका एरिया है 9 square centimeter, क्योंकि 3 centimeter स्क्वायर का जो था, स्क्वायर 3 centimeter का था, तो अंदर से एरिया कितना हो गया 9 square centimeter। नाउ आंसर दिस, अब इन क्वेश्चन का आंसर दो। आप देखो ज़ीरी ने ये पैटर्न बनाया है, देखो इसने भी वही वाला इंटरलिंक वाला पैटर्न बनाया है, जितना गैप यहाँ पर इसका छूटा हुआ है, जितना कट अंदर लगाया है उतना ही एक्स्ट्रा उसने छोड़ा हुआ है, ताकि जो नेक्स्ट टाइल है उसके अंदर आके हो जाए, ये जितना कट यहाँ पर है उतना ही कट यहाँ पे बाहर है एक्स्ट्रा। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड, कितनी टाइल्स यूज़ की ज़ीरी ने, ज़ीरी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज़ीरी ने कितनी टाइल्स यूज़ की बच्चों, 12 टाइल्स, ज़ीरी हैज़ यूज्ड 12 टाइल्स। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न ज़ीरी हैज़ मेड हियर। अब ज़ीरी ने यहाँ जो एरिया बनाया है फ्लोर पैटर्न का, वो कितने उसका एरिया कितना होगा, ज़ीरी की 1 टाइल 9 square centimeter की थी ना, और ज़ीरी के पास टोटल टाइल्स कितनी है, 12 टाइल्स हैं, तो कितना एरिया हो जाएगा उसका, 9 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 9, इतनी बार जब एक ही नंबर बार बार प्लस होता है तो हम सीधा उसका क्या ले लेते हैं, टेबल ले लेते हैं, है ना। सो 12 टाइल्स थी और हर टाइल का एरिया कितना था, 9 square centimeter, है ना, 108 square centimeter, 12 9s are 108। बच्चों समझ में आया ना ये आपको।
उसका एक हमें मालूम है जीरी ने जो है 3 सेंटीमीटर साइड की टाइल बनाई थी। 3 सेंटीमीटर साइड का मतलब क्या हुआ, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसकी एक टाइल कितने की थी बेटे, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर की। अगर वन टाइल 9 स्क्वायर सेंटीमीटर की है तो 12 टाइल्स कितने स्क्वायर सेंटीमीटर की हो जाएंगी, 9 प्लस 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 9। तो 12 बार 9 प्लस करने, बार बार हम रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, जब एक ही नंबर बार 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 प्लस हो रहा है तो हम सीधा उसका ले रहे हैं टेबल। तो 12 बार 9 आया ना, तो 12 9 से 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जीरी ने जो पूरा फ्लोर पैटर्न बनाया वो कितनी जगह में बनाया, 108 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम, जीरी ट्राइड टू मेक सम अदर टाइल्स, शी स्टार्टेड विद अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप्स लाइक दीज, लुक एट दीज केयरफुली एंड फाइंड आउट। यहाँ पे जीरी ने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसने टाइल्स बनानी शुरू की। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2, है ना, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। चारों साइड्स 2 सेंटीमीटर की है ना, तो अंदर एरिया कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया। तो जीरी ने ऐसे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर साइड की स्क्वायर बनाया। इसका मतलब 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया वाली टाइल से उसने कुछ और शेप्स बनाई। ये उसने ये वाली शेप बनाई, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, यहाँ भी उसने गोल कर दिया और इधर भी गोल कर दिया। क्या गलती कर दी बाद में देखते हैं। यहाँ भी उसने ये वाला स्क्वायर बनाया और यहाँ पे उसने ये वाला डिज़ाइन बनाया। बाहर इतना ज़्यादा, अंदर छोटा सा गैप, बाहर इतना ज़्यादा अंदर इतना सा गैप। और इसने ये वाले सी वाला बनाया, जितना बाहर उतना ही अंदर। फिर ये डी वाला बनाया, डी में क्या किया, जितना बाहर उतना ही अंदर, जितना बाहर उतना ही अंदर, जितना बाहर उतना ही अंदर। तो आपको ये बताना है, चारों शेप्स ध्यान से देख ली बेटा, नाउ टेल मी, लुक एट दिस केयरफुली एंड फाइंड आउट, पता लगाओ विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल अ फ्लोर। अगर आपको ज़मीन पे फ्लोर में जो है ये इनमें से शेप्स, किसी एक शेप की टाइल लेनी हो तो आप बताओ इन चारों में से कौन सी जो शेप है वो फ्लोर को अच्छे से टाइल करेगी विदाउट एनी गैप्स, लेकिन अंदर कोई भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए। डिस्कस व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दीज शेप्स, और इन शेप्स का एरिया कितना होगा, ठीक है। फिर सेकंड पहले हम देखते हैं, मैंने ये ना बेटे आपके लिए बना के काट के रखी हुई है, ये देखो मैंने कुछ आपके लिए काट के रखी हुई है बेटे शेप्स, ये जो शेप्स बच्चे ने जीरी ने बनाई है ना, ये वाली शेप्स मैंने 2 शेप्स आपके लिए काट के रखी हैं। सबसे पहले हम ये वाली शेप देखते हैं जो जीरी ने ये वाली बनाई है, ये वाली शेप, ठीक है। इसको देखते हैं, ऐसी है ना, इसके स्क्वायर हैं, स्क्वायर के इस साइड भी, इधर भी, जितना यहाँ पे सर्कल हाफ सर्कल किया है इधर भी बाहर हाफ सर्कल कर दिया। तो देखते हैं ज़रा ये टाइल करेगी आपस में, अगर इनको जोड़ेंगे तो गैप पड़ेगा, रहेगा कोई बीच में बेटे गैप, गैप रह रहा है, बताओ ज़रा, आप बताओ क्या ये आपके फ्लोर को अच्छे से कवर कर पा रही है, कि बीच में कुछ कुछ कीड़े घुसने की जगह, मिट्टी की जगह, घास उगने की जगह बच रही है। देखो यहाँ भी एरिया बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, ये भी गैप है, ऐसे और जुड़ेंगे आपस में तो बीच में गैप्स रह जाएंगे। तो जब आप चलोगे तो यहाँ पे मिट्टी होगी, कीड़े घुस के बैठेंगे, यहाँ पे घास उग जाएगी, तो आपका ये वाली टाइल, तो हम ये वाला तो हम बना नहीं सकते, दिस इज़ रॉन्ग, नहीं बनेगा ना, इससे इसमें गैप रह जाएगा। सेकेंड शेप ये बच्चे ने बनाई है, ये वाली जीरी ने। अच्छा कैसे बन सकती थी ये टाइल, अगर इस टाइल में जितना बाहर की तरफ है इतना ही अंदर की तरफ कट होता तभी आपस में लिंक हो जाती है ना। इसके इस वाले कट में, ये वाले कट में ये वाली टाइल जो सेकंड वाली टाइल है लिंक हो जाती, आपस में जुड़ जाती है अंदर, फिर इनके अंदर गैप नहीं होता है ना, फिर गैप नहीं होता ना, जितनी बाहर है उतनी अंदर होती, फिर नहीं गैप होता।
तो ये वाली फर्स्ट टाइल तो बच्चे की नहीं बनेगी, अगर उस थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेगी उस डिज़ाइन में तो फिर वो बन सकती है, अभी तो नहीं बनेगी। सेकंड हमने ये वाला देखा था, ये वाला जो बच्चे ने बनाया है, ये भी मैंने बनाया है बेटे थोड़ा सा आपके लिए। अब अगर वो इस डिज़ाइन को इसको टाइल कर इससे टाइल करती है, अगर वो अपने फ्लोर को इस वाले डिज़ाइन से अगर वो इस डिज़ाइन से अपने फ्लोर को टाइल करती है बच्चे, अब देखो ये इसके अंदर तो नहीं फंस रहा, किसी भी तरीके से नहीं लिंक होगा, अंदर गैप बच जाएगा है ना। और अगर इसको ऐसे भी रखती है, वो किसी भी तरीके से रखेगी तो गैप तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। छोटी सी गलती होगी, कौन सी वाली गलती होगी, कौन सी गलती होगी बताओ, इस डिज़ाइन में छोटी सी गलती हो गई, क्या गलती होगी बेटे, किसी भी तरीके से रखोगे आपको कुछ ना कुछ गैप ज़रूर मिलेगा, क्या गलती होगी। यस वेरी करेक्ट, गलती ये हो गई कि जितना बच्चे ने ये बाहर एरिया लिया था ना, ये स्क्वायर था उसका 2 सेंटीमीटर साइड का, मतलब 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का ये टाइल थी। अब इसमें जितना उसने बाहर एरिया लिया था उतना ही अगर वो अंदर लेती, जितना कट बाहर था उतना ही कट अंदर से अगर काट देती तो वो आपस में इंटरलिंक हो जाते। अब बाहर ज़्यादा ले लिया, अंदर छोटा छोटा सा रखा गैप, तो वो आपस में जुड़ेंगे कैसे, नहीं जुड़ पाएंगे ना, तो हमारे बी वाली टाइल भी सक्सेसफुल नहीं है। अब जीरी की जो थर्ड टाइल है सी वाली, इसमें जितने दो बाहर हैं, जितने उसने, ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड की स्क्वायर है, इसमें जितने बाहर उन्होंने ये रखे हैं एक्सटेंशंस, उतने ही अंदर सेम गैप छोड़ा है, यहाँ से काटा हुआ ना बेटे वाइट वाइट कलर का काटा हुआ ना, तो जो अगली टाइल आएगी उसकी ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आके फिट हो जाएगी और वो स्क्वायर 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 जुड़ जाएंगे और वह ऐसा वाला पैटर्न बन जाएगा, मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं रहेगा, तो ये वाली टाइल उसकी बन सकती है। डी वाले में देखो, डी वाले में जितना बाहर है उतना ही अंदर छोड़ा हुआ है, सेम एरिया अंदर है गैप, मतलब जो नेक्स्ट टाइल है ऐसी सेम जो अगली टाइल आएगी उसका ये वाला हिस्सा इसमें आकर फिट हो जाएगा। अब जितना यहाँ पर बाहर छोड़ा हुआ है, जितना ये ग्रीन वाला बाहर है उतना ही यहाँ पर अंदर ये खाली छोड़ा हुआ है, तो जो अगली वाली टाइल आएगी उसका ये वाली चीज़ में ये वाली चीज़ उसकी फिट हो जाएगी, और जितना ये बाहर है उतना ही यहाँ पर अंदर गैप छोटा हुआ है, सेम गैप, तो अगली वाली टाइल जो है वो उसका ये जो बाहर निकला हुआ एरिया है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा, तो वो स्क्वायर स्क्वायर आपस में एकदम जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली भी टाइल बन जाएगी। तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप्स, कौन सी शेप टाइल करेगी, सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड डी शेप्स विल टाइल द फ्लोर। What is the area of these shapes? और इन shapes का area कितना है बच्चा? Yes, शाबाश, 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर था, मतलब इसके अंदर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया था एक टाइल का, 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर था ना, 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर था, यहाँ पे लिखा है 2 सेंटीमीटर साइड, 2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर था, मतलब 2, 2, 2, 2, अंदर कितने स्क्वायर्स हुए, 1, 2, 3, 4, एरिया कितना हो गया, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, वेरी गुड। और जितना बाहर इन्होंने एरिया किसी दूसरी पेपर में जो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है उतना ही अंदर खाली है, तो जितना ये यहाँ से काटा वही इतना ही यहाँ पर है ना, इसमें से जितना निकला सेम सेम, तो कितना एरिया हो जाएगा इनका, एरिया उतना ही रहेगा, 4, एरिया कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन वॉज विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल अ फ्लोर, आंसर सी एंड डी शेप्स विल टाइल द फ्लोर। वॉट इज द एरिया ऑफ दीज शेप्स, इन शेप्स का एरिया कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मेक डिजाइंस इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दोज शेप्स। अब ये जो शेप्स आपने काटी हैं इनके बहुत सारी, जैसे हमने वो वाली शेप्स काटी थी, ये वाली टाइल्स बनाई थी हमने, ऐसे ही आप ये शेप्स काट लो और इनके इनको पेपर में रख रख के इनके जैसे बहुत सारी शेप्स काट लो और उन शेप्स को जोड़ जोड़ के अपनी कॉपी में, जैसे जीरी ने ये डिज़ाइन बनाया ऐसे आप भी अपना खुद का ये करो, आपको अच्छा भी लगेगा बेटे, आपका जो है आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने ज़्यादा आपकी इसमें कैपेबिलिटी, खेल खेल में आप सीख पाओगे मस्ती की पाठशाला में।
ठीक है ना, मस्ती करते करते आप खेल भी लोगे और सीख भी लोगे। नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ अ स्क्वेयर। अब आप भी एक स्क्वेयर से, ये बच्चे ने स्क्वेयर से एक दो तीन चार टाइल्स बनाई थी, दो नहीं अच्छी बनी थी उसकी और दो बिल्कुल सही बन गई थी, तो आप भी स्क्वेयर से अलग अलग डिज़ाइन से टाइल बनाओ। कैन यू डू द सेम विद अ ट्रायंगल। स्क्वेयर से तो हमने ये वाली भी बनाई थी बेटे, स्क्वेयर से हमने ये वाली भी बनाई थी, हम ऐसे भी बना सकते, कुछ भी बना लो, बस उसमें क्या है स्क्वेयर से, आप स्क्वेयर से मान लो अप टू 4 square centimeter स्क्वेयर से आप बनाना चाहते हो टाइल्स, ओके। तो आप आपकी मर्जी, आप इंटरलिंक वाली टाइल बनाना चाहते हो, आप ऐसी टाइल बनाना चाहते हो जो जिन एक साइड से कटी हो और दूसरी टाइल उसमें आके जुड़े, या वैसे ही जैसे ईंटें सब एक शेप की होती हैं, आप वैसे भी जैसे मेरे घर में जहाँ मैं अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पर जो टाइल ज़मीन में लगी हुई है वो स्क्वायर शेप की नॉर्मल टाइल है, वो इंटरलिंक वाली नहीं है, ऐसी ऐसी वाली शेप की है। आप इनके ऊपर कोई डिज़ाइन बना सकते हो, सपोज आपने ये डिज़ाइन बनाया, ओके इसमें भी आपने ये बनाया, कोई भी डिज़ाइन बना दो। तो आप ऐसे ही स्क्वायर 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 भी साथ 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 रख के अपना वो बना सकते हो, या फिर आप कैसे बना सकते हो कि देखो जैसे ये स्क्वायर हमने बनाया था ना बेटे, भी ये स्क्वायर बनाया, दो स्क्वायर बिना इंटरलिंक वाले भी बना सकते हो, ऐसे स्क्वायर 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 सेम सेम साइज़ की। अब ये 2 square 2 centimeter साइड का है, मतलब 4 square centimeter एरिया वाली एक टाइल है, ऐसी सेम दूसरी टाइल, तीसरी टाइल, इनके अंदर आप कोई भी अपना डिज़ाइन बना लो, कोई भी डिज़ाइन बना लो, ठीक है। आपने एक और लगा दी टाइल, तो ये सिंपल बिना इंटरलिंक वाली टाइल्स हैं, सिंपल रखा उनको जोड़ा ये बना दिया, ठीक है। ये ऐसी वाली टाइल्स भी बना सकते हो, या अगर आपने इंटरलिंक वाली बनानी है जैसे हमने जोड़ के एक के अंदर एक फंस के वाली टाइल है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो टाइल बनाओगे, सपोज आपने फिर से 2 square centimeter वाली टाइल ली, 4 square centimeter वाली, साइड 2 centimeter स्क्वायर की और अंदर डब्बे 4। अब अगर आप मान लो ये वाली आपने टाइल ली, ठीक है, अब अगर आप मान लो यहाँ पर रखते हो गैप, सपोज आप ऐसे गैप रखते हो जो वो बच्चे ने रखा था, है ना, इसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं, जितना आपने अंदर रखा है उतना ही आप बाहर रखो, इसको काट लो, इसको काट लो, जितना बाहर है टाइल बनाए, खुद की टाइल बनाए हम, आर्किटेक्ट बन जाए, ओके। तो इसमें जितना बाहर था उतना ही एरिया हम अंदर से काट लेते हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट टाइल बनेगी बेटे, ऐसे आपने एक टाइल काट ली ना, ऐसे आप जब एक टाइल काट लेते हो तो उसको रख के ऐसे पेपर पे या कार्डबोर्ड पे रख के उसकी जैसी आप और टाइल्स काट लो, सेम सेम शेप की और टाइल्स काट लो ड्रॉ करके, और फिर आपकी टाइल्स रेडी हैं, फिर आप अपनी कॉपी में उसे डिज़ाइन बनाओ, ये आपकी टाइल रेडी हैं। अब आपने जो ये वाली टाइल काटी है, जो एक दूसरी नेक्स्ट टाइल होगी उसका ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो इसके अंदर आके फिट हो जाएगा और आपकी टाइल्स रेडी हो जाएंगी। तो हमने ये स्क्वायर से एक टाइल बना ली, ठीक है, एक डिज़ाइन ये है, एक हमने ये वाला बनाया था, ठीक है, ये वाले डिज़ाइन कोई भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, बस उसमें क्या है अगर इंटरलिंक वाली टाइल है, एक के अंदर एक जोड़ के बनाने वाली टाइल्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना बाहर एरिया है उतना ही अंदर सेम शेप का अंदर आपको कट लगाना पड़ेगा, या फिर आप सिंपल टाइल बना लो, जैसे ये वाली बनाइए, जैसे हमने ये वाली सिंपल स्क्वायर टाइल्स, ज़्यादातर मैंने ये वाली देखी है टाइल्स, इंटरलिंक वाली भी होती हैं पर ऐसे बना सकते हो, स्क्वायर्स काट के उनके अंदर सेम सेम डिज़ाइन बना दो, कलरफुल डिज़ाइंस, और उनको पेस्ट कर दो,
ये हमने तीन टाइल्स काट ली वाली, इनसे अपना पैटर्न बना सकते हो फ्लोर का। ये रख दिया आपने, ठीक है। अब सेकंड टाइल को आप ऐसे भी रख सकते हो, एक दूसरे की तरफ मुंह करके भी रख सकते हो, ये वाला भी बना सकते हो आप। एक तो सेम बना दो, सेम बनाने तो ऐसे रख दो, स्क्वायर है ना, कोई भी साइड किसी भी साइड से फिट हो जाएगी आपकी। गम लगा के और अपनी कॉपी में, अपनी खुद की क्रिएटिविटी स्क्रैप बुक में या जहाँ जो भी आपकी पुरानी कॉपीज़ हैं किसी में भी आप ये चिपकाओ, लेकिन करना ज़रूर बेटे, इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना। इसमें थोड़ा टाइम दोगे ना आप, देखोगे कि आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, अच्छा आपको इसका फ़ायदा होगा। तो इस तरह से बेटे हम स्क्वायर टाइल्स बना सकते हैं और ट्रायंगल वाली टाइल्स भी बना सकते हैं। मैंने ट्रायंगल वाली भी आपके लिए रखी थी बना के, ट्रायंगल वाली टाइल्स बना सकते हैं। ट्रायंगल वाली टाइल्स मैंने आपके लिए बना के रखी थी। ओके, आई थिंक वो पेपर्स में कोई ऊपर नीचे होगी, डजेंट मैटर, हम और बना लेते हैं। ये रे लीजिए, आई वॉन्टेड टू सेव सम टाइम। ऐसे ही बेटे उन्होंने बोला ना आप ट्रायंगल से भी कुछ टाइल्स बनाओ, तो ट्रायंगल से ये बच्चे ने भी बनाई हुई है टाइल्स, जीरी ने भी बनाई है ट्रायंगल से टाइल्स, आप भी बना सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने ये बना के रखी है आपके लिए बच्चे, ट्रायंगल से टाइल्स, ये वाली मैंने बनाई है ना। इसमें क्या किया, ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल को ऊपर सेम साइज़ के ट्रायंगल्स ले लिए और उनका जो ये ट्रायंगल्स का जो ये वाला गैप होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, मालूम है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनके तीनों साइड्स बराबर होती है, सेम सेम साइड होती है, ठीक है। ये आप क्योंकि अंदर डिज़ाइन आप कोई भी बना सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे इनकी साइड सेम होती हैं तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं बिना गैप के। अगर मैं गम लगा दूंगी तो यहाँ पे ये हिलेगा नहीं। ऐसे बेटे आप अपने अलग अलग क्रिएटिव तरीके से, मैं टाइम ले रही हूँ वीडियो में और आपको इसलिए कि मेरे को करता हुआ देख के आपका मन करे और आप खुद भी उसे करो, ऐसे इग्नोर ना कर दो इन चीज़ों को। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी बुक बना में रखी है ना बेटे, ये बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे जो एजुकेटर्स हैं उन लोगों ने आपकी बुक बनाई है, आपके मेंटल लेवल का ध्यान रख के कि बच्चों को लिए क्या, उनको खेल खेल में क्या सिखाना है, तब ज़रूर प्लीज़ इसे अपने हाथ से करना बेटे बनाना। ये कुछ ट्रायंगल्स मैम ने ट्रायंगल पे ऐसे डिज़ाइन बनाए, आप फ्लावर बना लो, आप ट्रायंगल्स के साथ भी टाइल्स को ऐसे बना सकते हो। जैसे ये बच्चे ने यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर छोटे बड़े ट्रायंगल्स बनाए थे ना, ट्रायंगल्स के अंदर भी छोटे बड़े ट्रायंगल्स बनाए थे। इस तरह से बेटे क्रिएटिव बनो, टाइम भी बहुत है आपके पास आजकल, तो आप करो इसे। गुड चिल्ड्रन, सो विद डैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर बेटा, और आई होप आपको समझ में आया होगा एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, कैसे हम स्क्वायर्स काउंट करके जो है किसी शेप का एरिया, अभी हम फॉर्मूलाज वगैरह में बाद में जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, अभी आप समझो एरिया होता क्या है उसकी प्रैक्टिस आपने करी कि एक कोई भी शेप है उसके अंदर कितने स्क्वायर्स आते हैं वो उसका एरिया होता है। अगर कोई ऐसी शेप है जिसमें स्क्वायर्स कम्प्लीटली हम नहीं काउंट कर पा रहे हैं तो उसमें ये काउंट करो कि कंप्लीट स्क्वायर्स कितने हैं उस शेप के अंदर, और उसके अंदर हाफ से ज़्यादा कितने स्क्वायर्स हैं उसको भी वन ही गिनो, और हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, दो हाफ मिलके एक वन बनता है ना कंप्लीट, और जो हाफ से कम वाले उस शेप उनको इग्नोर कर दो। तो ये हमने देखा कि एरिया मतलब किसी भी शेप के अंदर कितने स्क्वायर्स उसने जगह ली है। फिर हमने देखा कि पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री, किसी भी शेप का जो सब सारी साइड्स का जो सम होता है उसको हम बोलते हैं उसका पेरीमीटर। फिर हमने गेम्स खेले थे 12 शेप्स के साथ, है ना, हमने 5-5 स्क्वायर सेंटीमीटर 5-5 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया के हमने ट्रायंगल्स बनाए थे, उन शेप्स को काट के हमने गेम खेले, और ऐसे हमने पीछे भी ये किया पिछले वीडियोस में, हमने ये एक रेक्टेंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर उसको एक 2 ट्रायंगल्स में, एक रेक्टेंगल को 2 बराबर ट्रायंगल्स में। तो ये गेम खेल खेल में हमने इस चैप्टर के 3 वीडियोस बेटे बनाकर कोशिश की है। आइडिया यही था कि आपको मैं प्यार से समझा पाऊँ, पढ़ा पाऊँ, आई होप मेरा ये प्रयास सफल रहा है। तो आगे भी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो नन्ही फरिश्तों, खुश रहो, खुशियाँ बांटो,
God bless you. Love you.